वेलकम टू माई चैनल डियर स्टूडेंट्स। टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 12th हीरोन फॉर्मूला। इन दिस चैप्टर वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल। अर्लियर क्लासेज में भी हमने एरिया ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला पढ़ा है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। उसमें क्या होता है कि एक ट्रेंगल के अंदर आपको ये बेस दिया होता है और इसके ऊपर अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर हाइट ली जाती है उन दोनों का यूज होता है। हम बेस और हाइट का यूज करते हैं। इन राइट एंगल ट्रेंगल के केस में भी क्या होता है कि जो इसकी दो आर्म्स हैं जो राइट एंगल बनाती हैं, इसमें से एक बेस और एक हाइट हो जाता है। तो हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसके अंदर आपको ट्रेंगल की बेस और हाइट गिवन नहीं होगा। उसमें आपको ट्रेंगल ए बी सी, सपोज कीजिए ये ट्रेंगल है आपकी, इसमें आपको थ्री साइड्स की लेंथ दी जाएगी। सपोज दैट द लेंथ ऑफ दिस साइड इज ए एंड दिस बी एंड दिस सी। तो तीनों साइड्स की आपको लेंथ गिवन होगी, उसे हम ए बी और सी मानेंगे। तो इसका हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ थ्री गिवन साइड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एस। व्हाट इज एस? दैट इज अ सेमी पेरिमीटर, सेमी पेरिमीटर ऑफ ट्रेंगल। दैट्स ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, मीन्स सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स उसकी पैरामीटर हो गई, और उसका हाफ करते हैं तो वो सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रेंगल हो जाती है। इसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एस फ्रॉम गिवन थ्री साइड्स। आफ्टर दैट एरिया ऑफ ट्रेंगल। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल के लिए हमें क्या होगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर रूट लोगे। यानी कि एस जो सेमी पैरामीटर है उसमें से आप ए साइड बी साइड और सी साइड को तीनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे। दैट विल बी द एरिया ऑफ ट्रेंगल बाय हीरोन फॉर्मूला। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज इन इक्विलेटरल ट्रेंगल विद साइड ए। एक इक्विलेटरल ट्रेंगल शेप का जिसकी साइड की लेंथ ए गिवन है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो अक्सर रोड के किनारे लगे होते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो आपने उस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है विद साइड ए यूजिंग हीरोन फॉर्मूला। तो यहां पे हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जो वो खत्म हो जाता है। सेकंड पार्ट में क्या है कि इफ द पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, ये सेकंड पार्ट है, इसके अंदर आपको पैरामीटर गिवन है, तो यहां से आपको साइड फाइंड आउट करनी होगी एंड व्हाट विल बी द एरिया। यहां पे एरिया उसने दोबारा पूछा है, यहां क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अगेन ही इज आस्किंग व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो यहां सिग्नल बोर्ड का एरिया आपको सेकेंड टाइम फाइंड आउट करना होगा। ये हमारे दो पार्ट बनते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट कि फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन फॉर्मूला, एंड सेकेंड पार्ट है कि इफ पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। हियर ऑल साइड्स, इक्विलेटरल ट्रेंगल है, सो ऑल साइड्स आर ए, सभी साइड्स की लेंथ ए गिवन है। तो इट मींस ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रेंगल आर ए। दिस इज द साइड ऑफ लेंथ जो ऑल थ्री साइड्स ट्रेंगल की ए बी सी हैं, वो सभी ए हो गई हैं। तो व्हाट विल बी द एस, मींस सेमी पैरामीटर, दैट विल बी ए प्लस ए प्लस ए बाय टू, बिकॉज एस वी नो दैट दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। हेयर ऑल साइड्स आर ए ए ए, सो इट विल बी थ्री ए बाय टू। नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी भी रिक्वायर्ड है, इसे हम पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी इजी फॉर अस। सो लेट्स फाइंड एस माइनस ए।
that will be 3a by 2 minus a. If we subtract it, we get 1 by 2a. Similarly, s minus b, s minus c, because or a, b, c are same a. So, all will be s minus a, s minus b and s minus c. Sabhi ki value 1 by 2 a. So, let's find the area. So, area of triangle is equal to s into s minus a into s minus b into s minus c and its square root. What is the value of s? 3a by 2. So it is 3a by 2. Multiply s minus a, that's a by 2. Same s minus b will be a by 2 and same a by 2. Now what we see here, 3 into a into a into a into a upon 2 into 2 into 2 into 2. So हमें इसका स्केयर रूट फाइंड आउट करना है और स्केयर रूट के लिए हमने फैक्टराइजेशन कर लिया है. तो हम पेयरिंग देखेंगे, जैसा कि हम 8th क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन से स्केयर रूट फाइंड आउट करते थे. इन द सेम वे ये पेयर बन जाए, ये पेयर बना है, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा. और 3 का किसी के साथ पेयर नहीं बनता, सो 3 रूट के नीचे रहेगा. ए और ए एक पेयर में से एक ए ले लेंगे, सिमिलरली नीचे 2 में से 2 ले लेंगे, इस पेयर में से एक 2, एक पेयर में से. That will be root 3 by a square upon 4. So that is the answer of first part. So this is the first part is over. But जो ये चीज आई है इसको हम as a formula भी use कर सकते हैं कि area of equilateral triangle that is root 3 by 4 into a square means side square. So अब हम इसका second part करते हैं. So in second part, perimeter is given. Perimeter आपको given है, that is 180 centimeter. So from here we can find the side 180 by 3 because it is an equilateral triangle. So it will be 60 centimeter. यानी कि हमें a 60 centimeter जो equilateral triangle signal board है उसकी साइड आपको मिल गई है. तो यहां पे आपको हीरन फार्मूला से दोबारा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, वो हम फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट कर चुके हैं. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट 3 बाय 4 इनटू ए स्क्वायर. सो दैट इज रूट 3, ए की वैल्यू हमारी 60 इनटू 60 अपॉन 4, सो दैट इज 3600 रूट 3 बाय 4. If we divide it by 4, we get 900 root 3 centimeter square. आप यहाँ पे root 3 की value अगर चाहें तो 1732 put कर सकते हैं. It is not required. We can give this answer in 900 root 3 centimeter square. So along with this, our first question is over. Second question के लिए आप next video देखिए. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो.